अपने कामों को लेकर हमेशा सजग रहने वाले बदायूं के एआरटीओ सुहेल अहमद से यातायात व्यवस्था को लेकर लाइव 24 के संवाददाता पवन तोमर ने खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं यातायात व्यवस्था को लेकर एआरटीओ सुहेल अहमद ने क्या कुछ कहा। आज हमारे साथ एआरटीओ बदायूं सुहेल अहमद जी हैं। सर पहले तो लाइव 24 पे आपका सर स्वागत है। सर धन्यवाद। धन्यवाद सर। जिस समय आप सर बदायूं में नए नए सर आए थे, उस समय आपने इतना जबरदस्त चेकिंग अभियान चलाया था, तहलका मच गया था पूरे बदायूं में। एक से ताबड़तोड़ चेकिंग की थी, लेकिन सर आप ढील कैसी है? ढील क्या, हमारे पास ढेर सारे अभियान हैं। स्कूल वाहनों का भी चल रहा, सिगरेट हेलमेट का भी चलता है, ओवरलोड का भी चलता है, डिग्गे वाला बसों का चल रहा है। मैं तो काम करता हूँ, मेहनत से भी करता हूँ, करता रहूँगा। अभियान तो चल ही रहा, रेगुलर रोड सेफ्टी का भी चलता रहता है। मैं जो सरकार ने दायित्व संभाला है, दायित्व को निर्वहन करता हूँ, करता रहूँगा, और बदायूं के लिए जितना बेहतर से बेहतर हो सकता है करूँगा जी। सर प्राइवेट स्कूलों में अक्सर ये देखा गया है जो बाहर लगे हुए हैं वो एक्सपायर डेट हो गए हैं, बच्चों के लिए अधिक से अधिक जो है भर के लेके जा रहे हैं, उन पर सर आपके द्वारा क्यों नहीं सरकार हो पा रही? मेरे द्वारा ओवरलोडिंग में बच्चों के इस बीच करीब 25-26 गाड़ियों के वाहन स्कूल वाहनों के चालान किए गए, परमिट हम लोग चेक करते हैं, फिटनेस भी चेक कर रहे हैं निरंतर। अब इसमें कुछ दायित्व तो स्कूल वाहन स्वामियों की भी होती है, मैनेजर की भी होती है, हमारे पास संसाधन कम है तो मीटिंगें भी होती है, बुलाते हैं पेपरों के माध्यम से स्कूलों में जा जाके हम लोग इनको मिस करके बताते हैं, कुछ उनका भी सहयोग चाहिए जितना हो सकता है, हमारा चालान बंद का करते करते रहे। सर इस समय सर देखा जा रहा है एक्सीडेंट की मात्रा बहुत अधिकतर सर बढ़ती जा रही है, नियमों का पालन नहीं हो पा रहा, आपके द्वारा कोई ऐसा सर सख्त तो कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है जो एक्सीडेंट की मात्रा सर इसमें कम हो? हमारे द्वारा सीट बेल्ट हेलमेट का तो रेगुलर चल ही रहा, हमारे जो गाड़ी वाहन फिटनेस के लिए आती है इसमें गवर्नमेंट का प्रावधान दिया गया है। हम लोग ड्राइवर और कंडक्टर्स की मीटिंग्स भी लेते रहते हैं, जानकारी भी देते रहते हैं रोडवेज पे, प्राइवेट बस स्टैंडों पे, जितना हो सकता प्रयास करते हैं जी। जी ओके धन्यवाद। ये हमारे साथ अभी जो है बदायूं एआरटीओ सुहेल अहमद जी थे। इनसे जो है जब पूछा गया स्कूल में जो है वाहन जो है क्यों एक्सपायरी डेट लगे, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, सबका कहना कि हम बराबर जो है ताबड़तोड़ चेकिंग कर रहे हैं और आगे भी जितना होगा बधाइयों के लिए जो है करते रहेंगे। हमारे पास सख्त कहना है सरकार की जो है हमारे पास थोड़ा जो है साधनों की कमी है और हमारे पास जिम्मेदारी काफी है। कैमरामैन नितिन कुमार साहब, पवन तोमर, लाइव 24 ब्यूरो। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव 24।